हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज का जो वीडियो है सो दैट इज़ मेनली ऑन राहु एंड केतु कंजंक्शन इन द हॉरोस्कोप। तो जो हमारा सीरीज था ऑफ मून विथ डिफरेंट अदर प्लैनेट्स, तो उसमें आज जो सेशन होगा, आज जो वीडियो है, सो दैट इज़ मेनली ऑन मून एंड केतु कंजंक्शन। तो ये काम कैसे करता है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, आइए देखते हैं। केतु का एक चीज़ आप लोगों को पता है कि केतु मेनली स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट ये स्पेसिफाई करता है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में केतु का मेन जो इम्पैक्ट होता है दैट इज़ टूवर्ड्स डिटैचमेंट और संन्यास की तरफ आपको ले जाता है। चंद्रमा के साथ ये आ जाता है। तो चंद्रमा के साथ आने के कारण होता क्या है कि इंसान अपने स्टैंड में थोड़ा फर्म नहीं रहता है, मन बड़ा चंचल होता है। तो मन अभी ये कर रहा होता है, अगले मोमेंट मन कुछ और करता है, अगले मोमेंट मन कुछ और करता है, मन में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। और इन केस अगर चंद्रमा यहाँ पे डुअल साइन में हो जाए, डुअल साइन द्वि स्वभाव राशि जैसे कि मिथुन हुआ, कन्या हुआ, धनु हुआ और मीन हुआ, इनमें से किसी एक में आ जाए तो फिर इसमें चंचलता और ज़्यादा आ जाती है चंद्रमा में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, लेकिन इसके कारण ये भी होता है क्योंकि आपका मन चंचल है, आप हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे लोगों को आसपास के लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इनके होने के कारण आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। होता ना कि बहुत चीज़ों को एक बहुत एनर्जेटिकली लेते हैं। दैट डिपेंड्स कि इनका मून और केतु कहाँ पे है। तो क्योंकि एंग्जाइटी और एंक्शियसनेस और वो चंचलता बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं पे भी जाए तो वो एनर्जी लेवल हमेशा हाई लेकर के जाते हैं। बट ऑन अ लॉन्गर रन, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मून और केतु स्टेबिलिटी अच्छा नहीं देता। स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा नहीं है, ये चार्ट को उतना स्टेबल नहीं रखता। तो ये एक प्रॉब्लम है इस कॉम्बिनेशन को लेकर के। और इसका ये होता है कि जिस भाव में ये बनता है उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये डैमेज थोड़ा कर ही देता है। तो थोड़ा इसकी थ्योरी को लेकर के देख लेते हैं। मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जो मुझे समझ में आया कि जहाँ कहीं भी अगर ये साथ में बैठे हो, क्लोजर द कंजंक्शन लार्जर द डैमेज, या फिर इनका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये होता है कि मैंने यूजली देखा है कि अगर ऐसा योग अगर बने तो इस योग बनने के कारण एक तो वेवरिंग माइंड तो होता है, एजिटेशन ये जल्दी आ जाता है, इंसान हर एक बात पे रिएक्ट करने लग जाता है, ये एजिटेशन तो आ जाता है और हर एक बात को लेकर के इंसान थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज तो है। उसके बाद ये भी है कि लोगों का सोचने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स होता है, थोड़ा अनकन्वेंशनल होता है। ये बाकी लोगों से थोड़ा अलग अप्रोच लेकर के सोचते हैं। अगर ऐसे लोग थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लगता है कि एक अनऑर्थोडॉक्स तरीका ही होना चाहिए, दैट इज़ द ओनली की टू सक्सेस। अगर नहीं होते तो लगता है कि लोग इनको उल्टा ज़्यादा कोसने लग जाते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ नया ट्राई करने गया तो ये हो गया इनके साथ। तो मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों हैं, ये डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह किस पोजिशन पर है। तो उस पर हम लोग ये कह पाएंगे कि ये योग अच्छे तरह से काम करेगा क्या, कन्वेंशनल या अनऑर्थोडॉक्स जो अप्रोच होगा वो अच्छा होगा या नहीं। और इनका ये एक और चीज़ रहता है कि अपना स्टैंड हमेशा चेंज करते रहते हैं, अपना स्टैंड को खुद ही डिसरेस्पेक्ट करते हैं। और ये एक प्रॉब्लम है इनके इस योग को लेकर के। तो आगे चल के कुछ केस स्टडीज लेते हैं। पहला जो केस स्टडी है यहाँ पे आप देखिए, तो चंद्रमा केतु का जो योग बन रहा है वो सप्तम भाव में बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कहीं पे भी ये योग बनता है तो उस घर से रिलेटेड कहीं पे कुछ ना कुछ तो डैमेज करता ही है। अब यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा और केतु, इसके आसपास कोई ग्रह नहीं है। केतु अपने आप में कोई ग्रह नहीं होता, ये बस एक पोजिशन होता है। तो इसके आसपास तो कुछ है नहीं। चंद्र केतु का योग बना सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में शनि की दृष्टि, ये एक तरह से तो ये योग दिखा ही रहा है कि यहाँ पे मैरिज को तोड़ने का योग है, या फिर एक तरह से कहिए कि कोई एक रिलेशनशिप, एक मेजर रिलेशनशिप रहा तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे जातक के साथ भी ऐसे ही हुआ। और इसका कारण देखिए, कारण क्या बनता है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा केतु है तो इंसान का मन
हमेशा बदलता रहेगा। कभी लगेगा कि ये रिलेशनशिप अच्छा है, ये रिलेशन अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कहीं इसी में वो इंसान नेगेटिव पॉइंट देखने लग जाता है, लगता है कि यहाँ पे वो सही नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, तो उसका स्टैंड हमेशा चेंज होता रहता है और इस कारण से ये रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। और ये चीज़ यहाँ प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये इस तरह से काम करता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोग को बताया, अगर ये योग डुअल साइन द्विस्वभाव राशि जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु या मीन में बन रहा है तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। सेकेंड जो केस स्टडी यहाँ पे आप देखिए, तो चंद्रमा केतु साथ में है और साथ में चंद्रमा केतु के आसपास कुछ भी नहीं है, तो केमद्रम दोष तो बना ही, साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा केतु भी है तो एंग्जाइटी वो भी रह जाता है, तो इनका तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि अब ये बुद्धि के भाव में है तो इन और बुद्धि का जो स्वामी है सूर्य वो द्वादश में चला गया, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पचकानी हरकतें करेगा और बहुत मतलब एक तरह से कहिए कि आउट ऑफ एक होता है ना कि इम्पल्सिव हो करके कुछ भी कह दे या कुछ भी डिसीजन ले लें। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, बुध जो है बुध भी राहु के साथ है, जो कि आपका वाणी होता है वो राहु के साथ है, चंद्रमा जो आपका मन होता है वो केतु के साथ है, तो ऐसे और चंद्रमा और बुध में आपस में दृष्टि संबंध, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो सोचते हैं वो अच्छे से बोल देते हैं लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं होता, वो आउट ऑफ रैंडमनेस होता है उसमें, मतलब कि एक होता है ना कि एक डिसिप्लिन काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस वो मिसिंग हो जाता है, तो इनके सोचने का तरीका अलग, इनके बोलने का तरीका वो भी अलग, तो ऐसे में होता क्या है कि अपने लिए शत्रु खुद ही बना लेते हैं। और एक और चीज़ अगर आप देखें, क्योंकि ये पंचम भाव में बन रहा है तो सबसे पहले समझिए पंचम का स्वामी द्वादश में और पंचम में ये योग बना, एक चीज़ तो आप ही लोग समझ गए होंगे कि संतान को लेकर के यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इश्यू है इस चार्ट में, या तो संतान योग कम है या फिर संतान को लेकर के कुछ एक प्रॉब्लम है। अब इसके कारण क्या होता है, अगर मैं इनका इवेंट बताऊँ लाइफ में, तो राहु की महादशा और राहु के अंतर में इनका 2 या 3 बार मिसकैरेज हुआ था, तो इस योग के कारण। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे और इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्यों, किस कारण से ऐसा योग बन रहा है और किस कारण से ऐसे घटना इनके जीवन में घटित हो रहे हैं। तीसरा जो केस स्टडी है यहाँ पे देखिए, ये केस मैंने केंद्रम दोष वाला नहीं लिया, यहाँ पे चंद्रमा केतु साथ में है लेकिन उसके आसपास मंगल भी है, तो इसीलिए मेरा कहना हमेशा ये होता है कि आप पूरे चार्ट को हमेशा देखें, उसके बाद आप एनालिसिस दीजिए या फिर कोई प्रिडिक्शन दीजिए। यहाँ पे क्या है कि लग्नेश लग्न में ही है, जो इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने स्टैंड में काफ़ी फर्म रहेगा, मतलब एक तरह से ये हुआ कि हम जहाँ खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो इस तरह का अप्रोच इनका यहाँ पे होगा, तो जहाँ कहीं भी रहेंगे बॉस यही बन के रहेंगे, और क्योंकि लग्नेश मंगल बनता है तो वो डोमिनेटिंग एटीट्यूड तो दे ही देता है, तो यहाँ पे तो वो एविडेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इनका क्या है कि चंद्रमा यहाँ पे केतु के साथ है तो एंजाइटी वो रहेगा, मन हमेशा ये सोचेगा तो साथ ही साथ वो भी सोचेगा, कभी कभी नेगेटिव अप्रोच भी आ जाएगा, कहीं ये तो ना हो जाए वो तो ना हो जाए, कोई अगर मान लो दिलासा दे भी दे या फिर कोई कंसोलिडेट कर भी दे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उसके बाद भी इनका वो दिमाग में चलता रहेगा कि नहीं इश्यूज तो है, तो कुंडली यहाँ पे ख़राब नहीं है लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अप्रोच को लेकर के हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ को लेकर के स्थिर आप रहते नहीं हो, उस कारण से यहाँ चंद्रमा केतु थोड़ा इशू बना देता है। अदरवाइज अगर ये चार्ट देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का जो स्वामी है वो एक साथ बैठा है भले ही द्वादश भाव में, लेकिन क्योंकि द्वादश का स्वामी भी स्वग्रही है तो वो एक अच्छा योग बन जाता है, तो काफ़ी सारे अच्छे योग बनते हैं यहाँ इस कुंडली में, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है क्योंकि सब अच्छा होते हुए भी उसको एक तरह से अब्जॉर्ब कर पाना या एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ये चंद्रमा केतु के कारण हमेशा वो अज्ञात भय इनके मन में रहता है। तो ये था मेरा एनालिसिस चंद्रमा केतु के बारे में, इसके बाद मैं कुछ और केस स्टडीज लाने वाला हूँ अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी और का, तो
बर्थ चार्ट एनालिसिस हम करेंगे और देखेंगे कि कुंडली को एंड टू एंड एनालाइज कैसे किया जाता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ हेड्स अप, थम्स अप मेरे तरफ से, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।